बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी बात करने की, आपको बता दूं। पैर सीधे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं हो पाएगा, पैर सीधे रखना है तो लहरा। अरे तो थोड़ी थोड़ी तो होगा कि हाँ, ये सुबह मॉर्निंग का समय था आपको बता दूँ, और क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। और जैसे तैसे हिम्मत करके मेरे पैरों, बस में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बाकी मैं पहले से तो ठीक हूँ, अब पैरों में थोड़ा चलते हुए दिक्कत हो रही है। और मैं आपको बताऊँ कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है हमारी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक ना एक के बाद एक ऐसी कुछ परेशानी आ रही है हमारे साथ, कि आपको पता था कि हम मेरे यहाँ आरती ही सब कुछ करने वाली थी, है ना, वही घर की मुखिया थी, सब कुछ वही कर रही थी, घर का काम सब कुछ, लेकिन अब वही ऐसा हो गया उसके साथ, समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं। मेरी बिल्कुल ब्लॉग वीडियो डालने की इच्छा नहीं थी, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि क्या बोलूँ, आपको पता है कि हमारा सब कुछ यूट्यूब ही से चलना है ना, तो हमको वीडियो डालनी ही पड़ेगी जैसे तैसे, चाहे कुछ, है ना। तो बस मैं चाय लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, आरती सुबह आरती एडमिट है हॉस्पिटल में, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो आप लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया होगा उसको, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है ना अपने आप पे, कि बताओ उसका एक्सीडेंट हो गया, मैंने जा नहीं पाया बिल्कुल चलने में, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ कोशिश करके, है ना। वहाँ से मम्मी वगैरह लोग तो आ गई थी कल, हॉस्पिटल ले गई थी आरती को, और मेरा छोटा वाला भाई वगैरह आ गया था, बता दिया था, फ़ोन कर दिए थे, तो लोग हॉस्पिटल ले गए थे आरती को, तो आरती भर्ती है वहीं पे हॉस्पिटल में। और मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है कि आरती जा रही थी तो पीछे से किसी ने, गाड़ी वाले ने धक्का मार के, है ना, तो आरती गिर गई रोडी में, और वो भाग गया था, जिसने धक्का दिया रहा शायद वो भाग गया रहा। तो बस जैसे फ़ोन आया तो मैंने घर में फ़ोन किया, तो भाई और मम्मी लोग ले गए आरती को हॉस्पिटल, है ना। तो बस यहीं पे हमारे पास ही में है हॉस्पिटल, तो वहीं पे है, तो बस यहाँ मैं सुबह अब जा रहा हूँ चाय लेके, है ना। अब बहुत ज़्यादा रोना आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मुझे। ऐसा आज से हो गया, समझ में नहीं आ रहा, देव और शिव भी, चलो देव तो समझदार है, सिर्फ छोटा है अभी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे वो कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे भी होगा हम आपको बताइए, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी बात करने की, आपको बता दूँ। चलिए जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे बाद में, जैसे भी होगा। कोशिश करो, कोशिश करो, धीरे 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 करो ना, आराम से, जल्दी नहीं आएगा। पहले आप सीधा हो जाओ, फिर बाद में पैर को सीधा करो, पैर और थोड़ा सा और इस तरफ हल्का, हां बस आप सीधे हो जाओ, पैर को सीधा करो, तब बस पाएगा, नहीं पाएगा, पैर सीधा नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं हो पाएगा, पैर सीधे रखना है तो लहरा। अरे तो थोड़ी थोड़ी तो होगा, थोड़ा सा होगा, ऐसे घर करो, धीरे धीरे करो, जब तक पहुंचे तक करो, कैसे हुए। हां Yes, we can do this.
तो यहाँ पर मैं आप लोगों से अभी ये बता दूँ, अभी तो मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और अभी मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाए गए हैं, कुछ पट्टियाँ लगाई गई हैं ताकि उससे दर्द मेरा हो जो कम हो। दर्द मेरा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, पर आप लोगों से बस मुझे एक कहना है, कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआ में असर है, आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा दर्द जल्दी ठीक हो जाए। अभी तो मैं घर का ऐसे ही पट्टा लगा कर आई हुई थी, यहाँ पे एक्सरे और वो MRI ये सब जांचें होनी थी और मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, पर मेरा ना रोड एक्सीडेंट हुआ है और मुझे खुद अभी होश नहीं है, इस अभी नहीं बता सकती। और मैं दर्द मुझे इतना था ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहते ना एक दर्द जो होता है वो आपको बर्दाश्त हो जाता है, एक जो आपके दर्द के बर्दाश्त से बाहर होता है। और किस तरीके से बताऊं, यहाँ पे ना मुझे इतना ज़्यादा लहक रहा था, इतना ज़्यादा लहक रहा था, हद से ज़्यादा वाला। वैसे मैंने अपनी मम्मी को, सासू माँ सबको फ़ोन कर दिया था कि कोई ना यहाँ पे आ जाए, तो ये आए थे अभी मुझे गर्म पानी वगैरह लेकर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी सिकाई वगैरह बोली, कुछ जेल वगैरह दिए हैं और कुछ मेडिसिन भी, पर अभी ये सब नहीं कर सकती। तो वो सारे लोग अभी कहीं गए हुए हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन आता है कौन नहीं आता है। और आप देख सकते हैं मैं घर की हालत में पहुंच गई थी, चप्पल तक पहन के नहीं गई थी मेरी हालत, जबकि मैंने एक छोटा सा अपडेट आप लोगों से डाला हुआ था। उस समय तो मैं घर में आ गई थी, फिर सीधे हॉस्पिटल में चली गई थी। और ये सब मेरे साथ पता नहीं कैसे, कहते हैं ना जब भी मैंने सोचा है कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, आपको पता है वैसे भी इनकी तबीयत को लेकर, पर भगवान कम से कम मेरे बच्चों पे तो थोड़ा सा रहम कीजिए। आपको पता है शिव अभी कितना ज़्यादा छोटा है ना। और यहाँ पे दोनों पैर पे एक साइड को करें
और यहाँ पे मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। आप मेरा दर्द मेरी आंखों में देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी मत लेटिए, आप आइए अंदर। वैसे तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे पर अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं था। और यहाँ पे सिस्टर भी अपने अपने उसमें लगी थी, तो मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उठ रही थी। आप मेरी हालत देख सकते, तो 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरी हालत को 2 से 3 दिन हो गया। और बस जैसी थी घर में वैसे ही मैं निकल गई थी। घर में ही क्या थी मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी मैं वो चीज़ें सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। सो अभी मैं बताने की मूड मतलब मेरा मन नहीं है। बस आप लोगों से यही कहूँगी कि आप दुआ कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। अभी तो मेरा एक्सरे होना है, MRI होना है, पूरी पीठ का होना है ना। चलिए और आ जाएगा। तो कोई तो कहाँ